अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये तो पता होगा कि जो गूगल स्कॉलर है उसकी ये स्पेशलिटी है कि वो डिफरेंट डेटाबेसिस से एकेडमिक सोर्स प्रोवाइड करता है आपको आपके रिसर्च के लिए, लिटरेचर रिव्यू के लिए, जब भी आप इसमें कोई चीज़ सर्च करते हैं तो ये सारे डेटाबेस को देखता है और आपको बहुत ही कंसाइज रिजल्ट जो है आपको प्रोवाइड करता है। तो जो गूगल स्कॉलर का सर्च इंजन है, इसको अपनी बात समझाने के लिए आपको इसी की लैंग्वेज में इससे बात करनी पड़ती है। तो अगर आप कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं तो आपको इसी की लैंग्वेज में इसके साथ इसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और जो ये लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है वो है कीवर्ड की लैंग्वेज। और हम इसमें थोड़े बहुत बुलियन ऑपरेटर्स भी यूज़ करेंगे, इसको हम कीवर्ड की मदद से समझाएंगे कि हमें ये फ्ला 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 चीज़ चाहिए। तो गूगल स्कॉलर पर सर्च करने से पहले आपको अपने जो आर्टिकल टॉपिक के रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं उसको आपने लिस्ट डाउन कर लेना, उसको रिफाइन कर लेना है। लिस्ट डाउन करने के बाद फिर आपने इसको गूगल स्कॉलर में सर्च करना है। तो फॉर एग्जांपल मेरा टॉपिक है द इमोबिलाइजेशन इफेक्ट ऑफ बायोचार ऑन आर्सेनिक इन सॉइल एंड वाटर। तो अगर मैं ये जो सेंटेंस है ये कॉपी करके डायरेक्टली गूगल स्कॉलर में सर्च करूँगा तो ये मुझे बहुत ही इनएफिशिएंट रिजल्ट देगा मेरी रिसर्च के लिए। ये मुझे यानी कि इन कीवर्ड की बेस पे या द है इमोबिलाइजेशन इफेक्ट, ये सारा सेपरेट होगा, यानी कि इसका अंदर कोई एल्गोरिथम ऐसा है कि ये हर वर्ड को सेपरेट सेपरेट करके इनके दरमियान में एंड और ये चीज़ें लगा के सर्च करता है। तो अगर आप इसको डायरेक्ट सर्च करेंगे तो आपके पास बहुत ही इनएफिशिएंट रिजल्ट्स आएंगे। आपको मैं ये डेमो दिखा भी देता हूँ। अब मैं यहाँ से ये जो है सारी लाइन कॉपी करता हूँ और उसके बाद मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र की तरफ। तो ये मैंने ब्राउज़र ओपन कर लिया और यहाँ पे मैं वो लाइन जो है अपने टॉपिक की वो पेस्ट कर दूँगा और इसको मैं सर्च करूँगा। तो आप देख रहे होंगे कि इस टॉपिक के रिलेटेड मेरे पास 22,200 रिजल्ट्स आए हैं, और कुछ जो है शुरू शुरू में जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही रिलेटेड है, और कुछ जो है मुझे दिख रहा है कि वो अनरिलेटेड रिसर्च है जो मैं इस टॉपिक के रिलेटेड करना चाह रहा हूँ। और आप देख रहे हैं कि मुझे सिर्फ आर्सेनिक पे चाहिए और मुझे ये डिफरेंट जो है हैवी मेटल्स का भी दिखा रहा है डिफरेंट किस्म की। तो इस तरह से ये आपकी जो है सर्च को इनएफिशिएंट बना देता है। अब हम गूगल सर्च गूगल स्कॉलर के सर्च इंजन से इसी की ज़बान में बात करेंगे थ्रू कीवर्ड। तो मैं इस टॉपिक इस जो टाइटल है इसमें से जो है कुछ कीवर्ड ले लेता हूँ सिर्फ टाइटल में से, और मैं इसको यहाँ पे पुट करके इसको सर्च करता हूँ। तो मैं यहाँ पे पहला जो है कीवर्ड अपना पुट कर देता हूँ इमोबिलाइजेशन इफेक्ट, और इसको मैं इनवर्टेड कॉमा के अंदर बात कर दूँगा टू स्पेसिफाई कि ये एक ही वर्ड है। और इसके बाद इसमें मैं एक जो है बुलियन ऑपरेटर एंड वो यूज़ करूँगा, और उसके बाद मैं इसमें अपना जो दूसरा कीवर्ड है वो इसमें लिख दूंगा बायोचार, और इसके बाद फिर मैं इसमें एक एंड बुलियन ऑपरेटर यूज़ करूँगा, उसके बाद मैं अपना चौथा जो है कीवर्ड वो लिख दूंगा, और इसके बाद अपना जो लास्ट वाला कीवर्ड है वो इसमें लिख दूंगा। तो मेरे जो था टाइटल टॉपिक का, तो उसमें से सिर्फ मुझे ये चार कीवर्ड मिले हैं। तो अब मैं जब इसको सर्च करूंगा तो मेरे पास देखें आप ये 669 रिजल्ट रह गए हैं। ये कीवर्ड और बूलियन ऑपरेटर की मदद से मैंने ये सर्च किया।
तो बूलियन ऑपरेटर एंड और यहाँ पे क्या किरदार अदा कर रहे हैं कि जो है मेरे कीवर्ड हैं इमोबिलाइजेशन इफेक्ट और बायोचार और आर सीमिक, इनको मैंने यानी कि चेक करना है सॉयल या फिर वाटर के साथ। तो अब अगर मैं इसको मोर रिफाइन करना चाहूँ, मैं इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके इसको स्पेसिफाई कर दूंगा कि मुझे सिर्फ यही वर्ड चाहिए मेरे टाइटल में, मेरे एब्स्ट्रैक्ट में, या जो पेपर में कीवर्ड होते हैं उनमें। तो मैंने इसको मोर जो है स्पेसिफाई कर दिया है ये इन्वर्टेड कॉमा की मदद से, और इसको मैं कर दूंगा जो है एक ब्रैकेट में बंद। और उसके बाद मैं जब सर्च करूंगा आप देखेंगे कि मेरे पास ये मेरा जो रिजल्ट्स हैं और भी डिफाइन और रिफाइन हो गए हैं, और मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास जो है सिर्फ वही रिजल्ट्स आ रहे हैं जो मैं चाह रहा हूँ, और बाकी जो हैं वो यहाँ से गायब हो गए हैं। तो इसके बाद अगर आपने इसको यानी कि और इसके कोई आपको टाइटल अच्छा लगता है, आप चाहते हैं कि मुझे इसके रिलेटेड चाहिए पेपर, तो यहाँ पे नीचे आता है रिलेटेड आर्टिकल्स। तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको कोई भी इनमें से टाइटल पढ़ के अच्छा लगेगा तो उसके जो मुताबिक है आपको और रिलेटेड आर्टिकल मिल जाएंगे। इसके अलावा आप जो ये आर्टिकल है किन किन ऑथर ने किन किन आर्टिकल्स में साइट किया हुआ है, आप उसके मुताबिक भी इसको देख सकते हैं अपने यानी कि कीवर्ड डिफाइन करके। आप साइटेड आर्टिकल को जब आप खोलेंगे इसमें भी आप कीवर्ड की मदद से अपने जो इन कीवर्ड के रिलेटेड आर्टिकल है वो आप यहां से भी निकाल सकते हैं बआसानी। आप देखेंगे कि मेरे पास जो है इन कीवर्ड की बेस पे और आर्टिकल आ गए हैं। ये आर्टिकल जो है ये यहाँ पे भी आ रहे होंगे, पर आप जो है स्पेसिफिक अगर आपको एक टॉपिक अच्छा लग रहा है आप उसके कॉन्टेक्स्ट से देखना चाह रहे हैं तो आपको फिर ऐसे मिल जाएंगे चीजें। उसके बाद आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे स्क्रीन की कि यहाँ पे जो है आप डेट वाइज भी देख सकते हैं, ईयर वाइज भी देख सकते हैं, और उसके बाद आर्टिकल टाइप वाइज भी देख सकते हैं, और इसमें एक और ऑप्शन भी आता है एडवांस सर्च का। आप एडवांस सर्च में इसको और भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये जो काम है विद ऑल वर्ड एक्सेप्ट फ्रेज और ये चीज़ें, ये हम यहाँ बूलियन ऑपरेटर की मदद से इधर भी कर सकते हैं सर्च इंजन में। पर इसमें जो है मोर जो स्पेसिफाई चीज़ है वो ये है कि इन द टाइटल ऑफ द आर्टिकल, एनी वेयर इन द आर्टिकल, आप इसको भी यानी कि बड़ी ब्रैकेट में यहाँ पे साथ इसके लिख सकते हैं। और जो मोर स्पेसिफाई है इसमें चीज वो है पब्लिश पेपर। तो आप जो है अगर सिर्फ आर्टिकल देखना चाहते हैं टॉप पब्लिश पेपर वाले आर्टिकल्स, तो आप वो आर्टिकल का यहाँ पे नाम और वो जो है जर्नल का आप जो है यहाँ पे नाम लिख देंगे तो आपको वो उसी जर्नल में दिखाएगा, और आप यहाँ पे डेट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आप सर्च करने की कोशिश करूँगा जो मोस्ट पॉपुलर है फील्ड में जर्नल एक, तो वो उसको मैं देखता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ से व्यू ऑल कर लूँगा, टॉप पब्लिकेशन आएंगे यहाँ पे। और उसके बाद मैं यहाँ पे पहले जो है आप यहाँ पे इंग्लिश पहले से ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट डिफाइन होगा, और उसके बाद कैटेगरी में जाके आपने देखना है कि आपका कौन से फील्ड है, आप उस फील्ड में आगे जो है सब कैटेगरीज भी आएंगी, आप उनमें जाके जो है कोई भी कैटेगरी चूज करें तो आपको ये जो है उन उस फील्ड के जो है टॉप जर्नल्स वो आपको दिखा देगा। यहाँ पे टॉप 20 मुझे नज़र आ रहे हैं, तो अभी मुझे टॉप पे है वो नेचर का आ रहा है, तो मैं यहाँ से नेचर का कॉपी करता हूँ और एडवांस सर्च में जाके यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ऐसे डिफाइन कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं नेचर लगाता हूँ और इसको मैं सर्च करता हूँ। आप देखेंगे मुझे सिर्फ
जो टॉप टॉप जर्नल है नेचर का, उसमें सिर्फ 6 आर्टिकल मिले हैं। तो आप जो है इस बेस पे भी इस अपने आर्टिकल को सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद आपने सर्च कर लिया, आर्टिकल देख लिए, अब इसको आपने एक्सपोर्ट कैसे करना है, यानी कि फर्दर इसको रिफाइन करने के लिए, तो इसको सेव करने के लिए, यानी कि एक्सपोर्ट करने के लिए आपको इसको सेव करना पड़ेगा, सेव टू माय लाइब्रेरी। पहले तो आपने यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करना, स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप एक न्यू जो है लेबल वो बना सकते हैं और उसको नाम दे सकते हैं अपने जो है कीवर्ड की बेस पे, और उसके बाद जो है आप इसमें सेव करते हैं। मैंने यहाँ पे पहले ही बायोचार का एक बनाया हुआ है तो मैं उसमें सेव करूँगा। और इसी तरह जो मुझे अच्छे लग रहे हैं आर्टिकल पढ़ने में और मेरे क्लोज रिलेटेड हैं टू माई टॉपिक, तो मैं उसको यहाँ पे सेव करता जाऊँगा। सेव करने के बाद आपने ये माई लाइब्रेरी इसको खोल लेना है और इसमें आपने जो है साइड बार पे देखना है बायोचार, तो यहाँ पे बायोचार आ रहा है। आपने फिर इन सब को जो है एक्सपोर्ट कर देना है टू CSV, या फिर अगर आप अपने एंड नोट में करना चाह रहे हैं या फिर बिबटेक्स किसी भी फॉर्मेट में आप जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और ये आपका डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पर। और इसके अलावा एंड में एक और टिप है जो अक्सर रिसर्चर यूज़ करते हैं जब वो आर्टिकल को सर्च करते हैं। वो क्या करते हैं कि जो गूगल स्कॉलर है उसको जो प्राइवेट विंडो है उसमें ओपन करते हैं, जिसको हम इनकॉग्निटो मोड भी बोलते हैं। तो उसमें ओपन करने का यही होता है उनको कि जो उन्होंने ऑलरेडी जो आर्टिकल सर्च किए होते हैं या पढ़े होते हैं, तो जो गूगल सर्च इंजन है वो उन आर्टिकल्स को रिमेम्बर रखता है, तो उनका जो है वो कलर जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो है, अगर मैं इस आर्टिकल को ओपन करता हूँ और नेक्स्ट टाइम फिर यहाँ पे कीवर्ड लगा के ये आर्टिकल लगा के सर्च करता हूँ, तो मेरे पास ये जो है इस आर्टिकल का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कीवर्ड की मदद से सर्च करेंगे तो ये वाला जो आर्टिकल है आपको नॉर्मल जब आप गूगल स्कॉलर पे सर्च करेंगे तो वो फिर शो होगा, पर जब आप इन प्राइवेट विंडो में सर्च करेंगे तब ये आर्टिकल आपको दोबारा दोबारा से शो नहीं होगा जो आपने ऑलरेडी रीड कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, मे भी मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।